हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SEO पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्स रोबोट स्टैक्स और एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स। इनको ये भी एक्स रोबोट स्टैक्स भी कहते हैं और इनको एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है कि मेटा रोबोट टैक्स और एक्स रोबोट टैक्स में क्या फ़र्क होता है, या मेटा रोबोट टैक्स और एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स में क्या फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, आज अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो प्लीज़ आई बटन में मैं उसका लिंक आपको भी शेयर कर देता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट आर मेटा रोबोट्स टैग्स एंड हाउ कैन वी यूज़ देम एंड व्हाट आर देयर पर्पसेस। नो इंडेक्स, नो फॉलो, नो इमेज इंडेक्स, नो स्निपेट्स लाइक दैट। बट सर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एक्स रोबोट्स टैग्स एंड एक्स रोबोट्स डायरेक्टिव एंड व्हाई वी नीड दैट। तो फ्रेंड्स, जैसे डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ मेनली यूज फॉर कंट्रोलिंग, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ नॉन HTML पेजेस। फ्रेंड्स, जो लास्ट टॉपिक था वो था मेटा रोबोट्स टैग्स। मेटा रोबोट्स टैग्स जो होते हैं वो HTML पेजेस के लिए होते हैं, क्योंकि वो उनको उन पे ही वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन नॉन HTML पेजेस के लिए हम एक्स रोबोट्स टैग्स या एक्स रोबोट्स डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। और नॉन रोबोट्स पेजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि यू वांट टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन HTML फाइल्स लाइक इमेजेस, PDF, डॉक फाइल्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स में का जो URL होता है उसमें .pdf, .docs करके होता है, एक URL होता है, मतलब वो जो पेज कंटेन करा होता है वो कहीं ना कहीं एक PDF फाइल कंटेन करा होता है या डॉक्स फाइल कंटेन किया होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जब इन PDF और डॉक फाइल्स को सर पे नहीं दिखाना होता या इनको कंट्रोल करना होता है लाइक नो इंडेक्स, नो फॉलो, तो हम एक्स रोबोट टैग्स यूज़ कर सकते हैं, एक्स रोबोट डायरेक्टिव। तो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसके लिए तो हम मेटा रोबोट यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये जो PDF फाइल्स या डॉक फाइल्स वाले पेजेस होते हैं इनको केवल एक्स रोबोट टैग्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज लाइक मैंने पहले ऊपर ही आपको बताया, इट इज़ मेनली यूज फॉर कंट्रोलिंग, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ नॉन HTML पेजेस। ये नॉन HTML पेजेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ये वाले टैग्स। HTML पेजेस के लिए तो मेटा रोबोट टैग्स होते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्यों यूज़ किया जाए, तो पहले आप बता दीजिएगा कि भाई नॉन HTML पेजेस के लिए हम एक्स रोबोट टैग्स या एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं। एंड नॉन HTML पेजेस क्या हो गए, PDFs हो गए, डॉक फाइल्स हो गए, और जो इमेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि ये पेज तो इंडेक्स हो जाए लेकिन ये पर्टिकुलर इमेज इंडेक्स ना हो, तो उसके लिए भी हम एक्स रोबोट्स टैग्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद है कि यू वॉन्ट टू डी इंडेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेजेस विद अ सर्टेन पैरामीटर्स और अ कंप्लीट सबडोमेन। तो फ्रेंड्स, एक्स रोबोट टैग्स उन पेजेस के लिए भी यूज होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पेजेस हों विथ सर्टेन पैरामीटर्स। फ्रेंड्स, आपने कई बार पेजेस देखे होंगे, लाइक example.com है, ये एक सिंपल सा URL होता है, लेकिन कई बार आपने पेजेस में देखा होगा example.com/?abstract% ब्ला 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 ब्ला, लॉट्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एक स्ट्रिंग काइंड ऑफ URLs होते हैं, तो वो पैरामीटर्स होते हैं, वो बहुत अनोइंग होते हैं। और अगर रैंकिंग पर्पज से देखा जाए, सर पे रैंकिंग पर्पज से देखा जाए, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इन टर्म्स ऑफ गूगल। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी को एक URL देते हैं लाइक example.com/adidas shoes, तो फ्रेंड्स ये URL सिंपल बता रहा है कि भाई ये एक वेबसाइट है लाइक amazon.com/sportsshoes, तो ये बताना चाह रहा है कि Amazon वेबसाइट का एक वेब पेज है जिसमें स्पोर्ट्स शूज के बारे में है, उसमें प्रोडक्ट लिस्ट होंगे और ऑल दैट। बट अगर फ्रेंड्स यही कर दिया जाए कि अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स बन के आ रही है, लाइक उसमें परसेंटेज भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, तो इट डजेंट लुक नाइस। एक ह्यूमन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो उसको बहुत अनोइंग लगेगा कि व्हाट दिस URL इट्स ऑल अबाउट। एंड अगर सर्च रैंकिंग के पर्पज से भी देखा जाए तो वो भी बहुत वियर्ड साउंड करेगा, और मतलब गूगल उनको अप्रिशिएट नहीं करता ऐसे URLs को। इसलिए ऑन पेज में कभी भी बोला जाता है तो कि 5 पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो पहला पैरामीटर्स हमेशा आता है कि URL ऑप्टिमाइजेशन। तो URL ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंड्स यही होता है कि एक हमारा जो कीवर्ड होता है वो प्रॉपर एक स्लग में आ जाए हमारे, और वो पैरामीटर्स के साथ ना हो, तो वो अनोइंग ना लगे और वो रीडेबल टू ह्यूमन हो। मतलब वो अगर किसी को कोई URL दिख रहा है सर पे या कोई शेयर किया जा रहा है, तो वो इजीली उस URL को गो थ्रू कर सके, हाँ भाई व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। और कभी कभार एक कंप्लीट हमारा जो सब डोमेन का भी फ्रेंड्स आई बटन में मैं
इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं एक बार लिंक दे देता हूँ, आप आईपैटल में देखिएगा कि सब डोमेन जो हमारे होते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स में से एक सब डोमेन क्रिएट होता है, लाइक जैसे blog.example.com, ये एक सब डोमेन हो गया फ्रेंड। तो अगर इसको हमें डी इंडेक्स करना है तो भी हम एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स और एक्स रोबोट टैग्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई पूछे मेटा रोबोट टैग्स और एक्स रोबोट टैग्स में फर्क क्या है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं भाई मेटा रोबोट टैग्स यूज होते हैं HTML पेजेस के लिए, लाइक वेबसाइट्स के जो HTML पेजेस होते हैं, लेकिन जो मेटा रोबोट टैग्स, जो एक्स रोबोट टैग्स होते हैं या एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स होती हैं, वो होते हैं नॉन HTML पेजेस के लिए, लाइक PDF एंड डॉक फाइल्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्स रोबोट टैग्स, दिस कोड इज इंप्लीमेंटेड ऑन सर्वर साइड इन .htaccess फाइल। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो कि मेटा रोबोट टैग्स का था, उसमें यह था कि आप अपने सोर्स कोड में जाके कंट्रोल यू करके आसानी से देख सकते हैं कि भाई मेटा रोबोट्स लगे होते हैं, कि भाई मेटा रोबोट्स इक्वल टू, इसमें आपने नो इंडेक्स कर दिया, नो फॉलो कर दिया, फॉलो कर दिया, इंडेक्स कर दिया, नो स्निपेट्स, नो आर्काइव कर दिया, नन, ये सारे कोड हम लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो एक्स रोबोट टैग्स और एक्स रोबोट डायरेक्टिव्स होती हैं, ये सर्वर साइड में लगती हैं .htaccess फाइल में। जैसे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो कई तो वेब वर्डप्रेस की फाइल हो गई, शॉपिफाई की हो गई, ये CMS है, लेकिन अगर कोई कोडिंग वेबसाइट है, कंप्लीट कोडिंग वेबसाइट है, तो उसमें सी पैनल में जाके पब्लिक अंडरस्कोर HTML में .htaccess फाइल होती है। मैं आपको फ्रेंड्स इसका एक बता देता हूँ कि सी पैनल देन पब्लिक अंडरस्कोर HTML देन .htaccess फाइल, देन .htaccess फाइल आपको वहां देखेंगे, वहां पे जाके आप इसको ये टैग्स लगा सकते हैं। उसमें भी फ्रेंड्स एक ये ट्रिक, एक इसमें एक और भी पॉइंट है कि एक्स रोबोट टैग्स इज डिफाइंड इन द HTTP हेडर ऑफ अ पेज टू कंट्रोल क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ आइदर अ कंप्लीट पेज और स्पेसिफिक। फ्रेंड्स जैसे अगर हम मेटा रोबोट टैग्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, जैसे एक वेबसाइट है, इसका मैंने होम पेज करा है, मैं इसका कोडिंग पार्ट ओपन करता हूँ, फ्यू सोर्स कोड जो होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे मेटा रोबोट टैग्स होते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो ऐसे होते हैं, मेटा नेम रोबोट्स कॉन्टैक्ट कंटेंट इंडेक्स फॉलो, ये सारे मेटा रोबोट टैग्स हो गए आपके, इंडेक्स फॉलो, मैक्सिमम इमेज प्रीव्यू, लार्ज मैक्स स्निपेट, मैक्स वीडियो प्रीव्यू। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप देख सकते हैं ये एक HTML के अंदर है और ये हेड पार्ट के अंदर है, लेकिन मेटा रोबोट टैग्स जैसे डेफिनेशन में तरीके वो HTML पेजेस के लिए होता है, लेकिन ये जो है वो नॉन HTML पेजेस के लिए, और ये हेड के अंदर है। फ्रेंड्स आप देख लीजिए, हेड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और उसके अंदर मेटा रोबोट टैग्स हैं, लेकिन जो एज पर दिस डेफिनेशन डिफाइंड इन द HTTP हेडर। तो फ्रेंड्स ये इसका कोड होगा जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देख लीजिए इसे फाइल मैश, और मैं ये कोड आपको कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, जैसे फाइल मैच डॉट डॉक्स डॉलर हेडर टेक्स्ट। फ्रेंड्स जैसे हेडर टेक्स्ट जैसे बोला था अंडर HTTP हेडर, उसमें आप देख सकते हैं एक्स रोबोट टैग लगाया और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, डॉक फाइल को नो इंडेक्स कर दिया, नो आर्काइव कर दिया, नो स्निपेट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर नेक्स्ट कोडिंग देखी जाए कि इसी में जब एक्स रोबोट टैग्स लगे हैं, तो उसमें एक ही कोड में डॉक और PDF फाइल दोनों पे एक्स रोबोट टैग्स लगाए गए हैं, डॉक पाइपलाइन PDF, तो हेडर सेट एक्स रोबोट टैग हुआ, नो इंडेक्स हुआ, नो आर्काइव हुआ, नो स्निपेट हुआ, फाइल मैच। तो फ्रेंड्स ये इसका कोड होता है, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स ये थे एक्स रोबोट टैग्स और एक्स रोबोट डायरेक्टरीज। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस, या कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो, मैंने कुछ बताया उसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो इस डोमेन में है, SEO फील्ड में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।